हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BioP53 में। चलिए आज हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम एल्गी में पढ़ने वाले हैं। करेक्टर्स और हाइब्रेक्टर्स और हाइबिटार्स के बारे में बात करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसके जनरल करेक्टर्स क्या हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, अ फादर ऑफ एल्गोलॉजी एफ ई फ्रिस। तो एल्गी के पिता फ्रिस को बोला जाता है। जनरल, पहले देखते हैं इसके क्या क्या हैं। द जनरल टर्म एल्गी इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल अदर एल्गल स्पीसीज। तो क्या क्या है कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दोनों फीचर्स हैं, जो कि इसमें साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स का फीचर शो करता है। ठीक है, हम बात करते हैं फिर आगे। एल्गी आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलेटिवली सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक्वेटिक थैलोइड विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम, लीव्स और लीफ लाइक ऑर्गन। ठीक है, तो थैलोइड्स का मीन मतलब होता है कि इसमें जो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है थैलस में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ड एल्गी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वेयर एल्गा मीन्स सीवीड्स। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि हम इसको एल्गी वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है, सीवीड्स से लिया गया। द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1753। आप ये भी याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट फ्यू आर मिक्सोट्रॉफिक एंड माइजोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक एंड माइजोट्रॉफिक का मतलब वो होता है कि ये क्या करते हैं कि अपना जो फूड्स होता है वो सकिंग के थ्रू, स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसमें, उसके थ्रू एब्जॉर्व करते हैं। एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ठीक है, अब फाइकोलॉजी मतलब फाइकोस, सीवीड्स, लॉगस मीन्स स्टडी, और इसको हम एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। प्रोफेसर यम ओफी एंगर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, ही डिस्कवर द टेरेस्ट्रियल एल्गा फिस्टुला ट्यूबरोसा। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम देख लेते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक बट आर दे आर प्रेजेंट एलमोस्ट इकोलॉजिकल हैबिटाट, इकोलॉजिकल हैबिटाट्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो ये यूबिक्यूटस नेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है, यूबिक्यूटस नेचर का होता है, आप ये भी याद रखेंगे। हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका जो हैबिटाट्स है वो कैसा है। ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, पैरासाइटिक एल्गी, सिम्बायोटिक एल्गी, एल्गी विद सम स्पेशल हैबिटाट्स। ठीक है, तो हम अब एक एक करके बात करते हैं। पहले एक्वेटिक एल्गी कौन कौन से हैं, हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी का। मोस्ट ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स लेक्स, पॉन्ड, रिवर, डिस, टैंक्स, स्ट्रीम एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं अथवा ये समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि मरीन एनवायरनमेंट है। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, बॉटम ड्वेलिंग दैट मीन्स कि ये समुद्र, नदी के बॉटम में पाए जाते हैं, जिनको हम बेंथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप याद, बेंथिक एल्गी, आर्थिक एल्गी आर बेंथोस में भी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। देखो, सर वाटर के सर्फेस पे पाए जाते हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी आर कॉल्ड यूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को हम यूप्लैंक्टन भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कॉस्मेरियम, सिंडेस्मस। ठीक है, इफ दे आर फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर ये शुरुआत से ही अगर तैरते हुए पाए जाते हैं तो हम इसको यूप्लैंक्टन बोलते हैं। अगर ये शुरू में किसी पार्ट से अटैच रहते हैं और उसके बाद में ये फिर तैरना शुरू करते हैं तो हम उसको टाइकोप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, जिग्निमा, ये क्या है कि ये शुरुआती में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, उसके बाद में फिर ये तैरना शुरू करते हैं। इफ अटैच्ड इन द बिगनिंग बट लेटर गॉट डिटैच्ड एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। समटाइम प्लैंक्टन एक्सटेंसिव सो एक्सटेंसिव ग्रोथ इन द वाटर बॉडी, ना कि ये क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ होने लगता है और ये देखेंगे आपकी पूरे वाटर के सरफेस पे फैल जाते हैं। इसको हम वाटर ब्लूम्स बोलते हैं अथवा एल्गल ब्लूम्स भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, सिंडेस्मस, माइक्रोसिस्टिस एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर एल्गी कौन कौन से हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, वालबाक्स, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे क्या हैं, फ्रेश वाटर एल्गी हैं। ठीक है, ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, क्या है कि ये ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एल्गा हैं जो कि तैरते हुए पानी में पाए जाते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, ये प्रेफर टू ग्रो इन स्लो रनिंग वाटर। ठीक है, ये जो स्लो रनिंग वाटर होता है ये उस
हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। एल्गी ग्रो इन रनिंग वाटर इज कॉल्ड लोटिक एल्गी। आप जैसे जानते हैं लोटिक एंड लेंटिक वाटर बॉडीज होती हैं, तो जो तैरते हुए पाए जाते हैं उन्हें हम लोटिक एल्गी कहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं जैसे कि हम लेंटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी एल्गा होते हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि केल्प। केल्प क्या होता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी एल्गी हैं जो कि आप देख सकते हैं 70 मीटर इनकी लंबाई हो सकती है, और ऐसा केल्प जो है वो माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इनका हैबिटाट्स क्या है। हम बात करेंगे फ्रेश वाटर प्लैंकटॉनिक एल्गी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेश वाटर प्लैंकटॉनिक एल्गी जो है क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सेंडेस्मस, वालबाग्स, यूडोराइना, माइक्रोसिस्टिस, आसेलेटोरिया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये फ्रेश वाटर प्लैंकटॉनिक एल्गी हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। फ्रेश वाटर बेंथिक एल्गी जो कि क्या होता है कि बॉटम पे पाए जाते हैं, जैसे कि कारा, क्लेडोफोरा, जो कि दोनों के हैं, एक क्लोरोफाइसी फैमिली के हैं, आप याद रखेंगे। बॉर्डनेला, प्लूरो क्लेडिया, ये दोनों क्या हैं, ये फियोफाइसी के हैं, और बैट्रेको स्पर्मम रोडोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, अब बात करेंगे मैराइन प्लैंकटॉनिक की। बात मैराइन प्लैंकटॉनिक में क्या है, क्लेमाइडोमोनास, साइक्लोटेला, ट्राइकोडेस्मियम। ठीक है, मैराइन बेंथिक जो कि बॉटम पे पाए जाते हैं, एस्टेबलेरिया, काउलेरपा, अल्वा, अल्वा जो कि क्लोरोफाइसी फैमिली का मेंबर है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गसम, फियोफाइसी, कॉन्ड्रस, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मैराइन बेंथिक एल्गी बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एल्गी जो टेरेस्ट्रियल एरियाज में पाई जाती हैं। एल्गी विच ग्रो ऑन आर इन साइड, दैट मीन्स ये सर्फेस पे भी पाए जाते हैं और सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल, आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाउचेरिया, बोट्राइडियम, ओडोगोनियम, फ्रिस्टल्ला, ये क्या है, ये ग्रो करते हैं सरफेस पे, क्या करते हैं सॉयल के, ये सरफेस पे ग्रो करने वाले एल्गी हैं। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉयल पर ग्रो करने वाले, सॉयल सरफेस पर कौन से एल्गी ग्रो करते हैं, तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, बाउचेरिया, बॉटराइडियम, ओडोगोनियम, फ्रिस्टल्ला। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइपोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम साइपोफाइट्स बोलते हैं जो कि सॉयल सर्फेस पे ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पीसीज जो कि सॉयल के अंदर रहते हैं, जैसे कि एनाबना नास्टा जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रो इन साइड द सॉयल सर्फेस एंड आर नोन एज क्रिप्टोफाइट्स। जो सॉयल के अंदर रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे पैरासाइटिक एल्गी के बारे में। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक शो करते हैं, तो हम ऐसे एल्गी की बात करेंगे, एल्गी व्हिच ग्रो ऑन सम प्लांट्स एंड काज प्लांट डिजीज। एग्जांपल सेफेलुरास वायरसेंस, पैरासाइट ऑन टी लीव्स। आप याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है जो कि पैरासाइटिक एल्गी है, एंड काज रेड रस्ट डिजीज इन देम। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, तो आप याद रखेंगे सेफेलुरास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और सारे पैरासाइटिक एल्गी के बारे में। हार्वी एला मिराबिलिस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड लैक पिगमेंटेशन। इसमें पिगमेंट नहीं होता है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये कि अगर इनका जो हॉस्ट है वो नहीं रहेगा तो ये भी जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता तो अपना भोजन नहीं बना पाता। अब हम बात करेंगे रोडोकाइट्रियम, पॉलीसाइफोनिया एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक एल्गी। ये भी सारे पैरासाइटिक एल्गी हैं, आप याद रखेंगे। पॉलीसाइफोनिया लानोजा इज अ सेमी पैरासाइट ऑन एल्गा एस्कोफिल्लम। ठीक है, ये सेमी पैरासाइट है, आप ये भी याद रखेंगे। अब हम ऐसे एल्गी की बात करते हैं जो सिम्बायोटिक मोड शो करते हैं, सिम्बायोटिक एल्गी के बारे में। सो एसोसिएशन विथ डिफरेंट ग्रुप, किन किन ग्रुप से इनका एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एल्गी का एल्गी के साथ क्या क्या सिम्बायोटिक रिलेशन है। राइजोसोलेनिया, आप जैसे कि पढ़े भी हैं, फॉर्म एसोसिएशन विथ ग्रीन एल्गी कैलोथ्रिक्स स्पीसीज। ठीक है, तो क्या कैलोथ्रिक स्पीसीज के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अब बात करते हैं फंजाई के साथ में। मेनी ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिव इन सिम्बायोटिक विद फंजाई एंड फॉर्म न्यू ग्रुप लाइकेन। ठीक है, आप जैसा जानते हैं कि एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ही हम लाइकेन्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक न्यू ग्रुप है, तो आप याद रखेंगे। ग्रीन एल्गी ट्रीबोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन फोटोबायोन। ठीक है, आप इसका नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई के साथ शो करता है। प्रीवियसली नोन एज फाइकोबायंट इन लाइकेन। अदर ग्रीन एल्गी आर कोकोमिक्सा ट्रेंटिफोलिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉस्टाक, साइटोनिमा, स्टाइगोनिमा। ठीक है, ये सारे जो हैं आप इनको ग्रीन एल्गी हैं, आप इनको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनका एसोसिएशन ब्रोफाइट्स के साथ कैसा है। नॉस्टाक जो होता है ये क्या करता है, लिव्स इन द म्यूसिलेस फील्ड चैम्बर ऑफ एंथोसिरास एंड नोटोथाइलस, जो कि हॉर्न और थैलाई में
कहता है एंथोसरास के थैलाई में नौ स्टॉक जो होता है पाया जाता है। अब टेडोफाइट्स में एनोबना आप जैसा जानते हैं, इसका हैबिटाट क्या, लीव्स ऑफ वाटर फर्न एजोला, एजोला जो होता है वाटर फर्न है आप याद रखेंगे, और इसके लीव्स में एनोबना पाया जाता है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। द लेटर इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, ठीक है, हम एजोला को बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। जिम्नोस्पर्म नॉस्टॉक एंड एनाबिना लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस, साइकस के रूट में ये पाया जाता है। एंजियोस्पर्म नॉस्टॉक इनहेबिट्स पैपिलोज आउट ग्रोथ ऑफ गुनेरा नियर द बेस ऑफ दियर लीव्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के ये गुनेरा जो इसके लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ स्पेशल हैबिटाट्स के बारे में, ठीक है। तो थर्मल एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो थर्मल एरियाज में पाए जाते हैं, हम उनको थर्मोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग एट अ टेम्परेचर रेंज टू 65 to 85, ठीक है, आप याद रखेंगे। वेयर ऑर्डनरी प्लांट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे किसी और पौधों के जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। ब्रिव ग्रीन ओनली ब्रिव ग्रीन एल्गी लाइक मेस्टिगो क्लेडस फॉर्मिडियम एंड ऑसिलेटोरिया ब्रेविस एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं, ये थर्मोफाइट्स हैं जो कि थर्मल एरियाज में ग्रो करते हैं। हम बात करते हैं क्रिप्टोफाइट्स, सच एल्गी ग्रो इन पोलर रीजन ऑन आइस एंड स्नो, कुछ एल्गी होते हैं जो कि क्या होता है कि आइस बर्फ पे ग्रो करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज हैं एंड और सारी स्पीसीज हैं इसको टेलिया की, ठीक है। एमंग ग्रीन एल्गी एंड नॉस्टॉक, एमंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी क्या है क्रिप्टोफाइट्स। हिमेटोकोकस निबेलिस काजेज रेड स्नो बॉल इन एल्पाइन रीजन, आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये इसका, रेड स्नो बॉल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इपीफाइट्स की, कुछ एल्गी क्या है इपीफाइट्स की तरह शो रहती हैं। एल्गी ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट पार्ट आर कॉल्ड इपीफाइट्स, स्पीसीज ऑफ ओडोगोनियम यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, ये सब इपीफाइट्स की श्रेणी में भी आते हैं। अदर एग्जाम्पल आर कोलियोकीट नाइटिलेरम ग्रो ऑन नाइटेला एंड कारा, सम एल्गी सच एज टेंटोफोलिया रोडोकाइट्रियम ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ एंजियोस्पर्म लीव्स कॉल्ड इपीफिलोफाइट्स, सम एल्गी सच एज प्लूरोकोकस स्पीसीज ग्रो ऑन बार्क कॉल्ड इपी फिलोफाइट्स, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडोफाइटिकल, कुछ एल्गी क्या होते हैं कि जो इनसाइड पाए जाते हैं, सम एल्गी ग्रो विद इन द टिश्यू ऑफ अदर प्लांट, जैसे कि नॉस्टॉक ग्रो करता है इनसाइड थैलाई ऑफ एंथोसिरास, ठीक है। इपीजोइक एल्गी और इपीजूफाइट्स व्हिच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर एनिमल क्लेडोफोरा ऑन स्नेल, क्लेडोफोरा जो स्नेल के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद में साइनोडर्मा रेड एल्गी जो है ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी ऑन द स्केल आर आउटर हेयर ऑफ स्लॉथ, इंडोजोइक एल्गी आर इंडोजूफाइट्स एल्गी ग्रोइंग इन साइड एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्लोरेला विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा एंड स्पंज, लिथोफिलिक एल्गी हम बात करेंगे नेक्स्ट लिथोफिलिक एल्गी के बारे में, व्हिच ग्रो ऑन रॉक्स, एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया इक्टोकार्पस, क्या होता है ये रॉक्स पे ग्रो करते हैं। अदर एल्गी जो कुछ और हम देखते हैं, सम एल्गी लाइक ड्यूनेलिया क्लेमाइडोमोनास ग्रो इन वाटर विथ साल्ट कंसनट्रेशन, इनको हम हेलोफिलिक एल्गी बोलते हैं। फ्रिट्सेला ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल वाइल ऑसिलेटोरिया स्पीसीज नॉस्टॉक ग्रो ऑन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कुछ ऐसे एल्गी हैं जैसे कि नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया एल्कलाइन सॉइल्स में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे एल्गी हैं जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।